सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने दो ब्रेड के स्लाइस लिए, टमाटो सॉस है, पिज़्ज़ा चीज़, वेजिटेबल में शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज उसको बारीक काट लिए, और ओरिगानो है, कुटी हुई लाल मिर्च है। चलिए अपनी रेसिपी को आप ब्रेड के स्लाइस के ऊपर टमाटो सॉस स्प्रेड करेंगे। इसकी एक लेयर लगाएंगे की मदद से स्प्रेड कर देंगे इसको। टमाटर सॉस अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें। टमाटर सॉस की लेयर लगा दी हमने, इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ की एक लेयर लगा दी हमने, अब वेजिटेबल डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, जितनी मिकदार में आप लेना चाहते हैं। सब्जियां आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप टमाटर डालेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर की लेयर लगा दी है। अब आखिर में प्याज की एक लेयर लगाएंगे। वेजिटेबल की लेयर हमने लगा दी है, अब आखिर पे ऊपर चीज स्प्रेड करेंगे। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ ज़्यादा स्प्रेड कर दें ऊपर, इसी तरह स्प्रेड कर दिए ऊपर। अब ओरिगानो डालेंगे, इसी तरह दोनों तरफ, और आखिर में चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च वो डालेंगे। नॉन स्टिक एक मैंने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाले, ऑयल को स्प्रेड करेंगे। ब्रश की मदद से ब्रेड पिज़्ज़ा पैन में बनाएंगे। इसको ओवन में भी बना सकते हैं, ऊपर से कवर कर देंगे, इसे कवर करके रख देंगे। जैसे ही चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी, ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, यानी कि ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।